ये कहानी तब की है जब मैं 18 साल का था। उस समय मैं पहली बार ट्रेन में गया था, एक ऐसी ट्रेन जो मैं और मेरे दोस्त खाली उस वाले ट्रेन में अकेले थे। मेरा दोस्त दूसरे अपार्टमेंट में चला गया और मैं दूसरे में बैठा था और हम दोनों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हम दोनों अकेले बैठे हैं ट्रेन में। हमें लगा कि आगे अगले स्टेशन पे कोई ना कोई पैसेंजर चढ़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि ट्रेन हमें अपने मंजिल तक पहुंचाती है, पर जिस ट्रेन से हम जा रहे थे आज से पहले, हमने उसका रास्ता कभी नहीं देखा। जिस रास्ते पे वो ट्रेन चल रही थी, हमने वहाँ पे सोए ही थे, लगभग रात ही हुई थी, तैसे हमने देखा कि कोई लड़का पायल पहने एक थाली लिए हमारी ओर आया, मतलब मेरी ओर आया। मेरा दोस्त दूसरे अपार्टमेंट में था, मेरा अपार्टमेंट उससे पहले पड़ता था। वो मेरे पास आया और कहा, कुछ दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। मेरे पास रुपए रख रखे थे, मैंने दे दिया। फिर मुझे बड़ा वो एक तरीके से डर सा गया कि लड़का पायल क्यों पहना है। मैंने उस बात को इग्नोर करते हुए फिर सो गया। फिर कुछ समय बाद दूसरा लोग आया, बिल्कुल सेम, वो कह रहा है कुछ दे दो। मैंने कहा अभी तो दिया था, कह मैं दूसरा हूँ, वो मेरा भाई होगा। फिर मैंने उसको दे दिया। ऐसे करते करते बार बार वो लोग मेरी तरफ आए, मैं सबको देते गया। आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं उनको दे पाऊँ। और तभी मेरे दोस्त की चिल्लाने की आवाज आई, कहा बचाओ बचाओ। मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, उस अपार्टमेंट की तरफ, पर वहां से फिर चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई। मैंने भी उस बात को इग्नोर करते हुए उससे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो आगे चली गई और तैसे अगला स्टेशन आते ही मैं उतर गया। फिर वहां पे एक और बंदा आया जो कि मतलब वो भी भीख की तरीके से मांग रहा था। मैं उससे भी थोड़ा डर सा गया कि बार बार क्यों ही आ रहा है, जबकि ये तो अभी गया था अगले अपार्टमेंट में। फिर मैंने अपने पीछे देखा, मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ और क्या होगा वो जो भीख मांगने आया था, ये देखिए पार्ट 2 में। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।